सर्दियां आ गई हैं और दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर सोनीपत के इस छोटे से गांव के किसान अगली फसल की बुआई में जुटे हैं। हर साल धान की फसल की कटाई के बाद हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तरी राज्यों के किसान खेत में बची पराली को जला देते हैं। से ये मान लो कि 8 से 10 घंटे तो निकालने में लग जाएंगे, ऊपर से खर्चा होगा और फिर टाइम की बचत नहीं रहती, टाइम ज़्यादा लगता है और फिर अगली फसल तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचता है। इस मौसम में करीब 2 करोड़ टन कृषि अवशेष जला दिया जाता है। इसके नतीजे में इलाके की हवा बेहद प्रदूषित हो जाती है। इसी प्रदूषण के बारे में सोचकर अंकुर कुमार, कनिका प्रजापत और प्राचीर दत्ता ने 2014 में क्रिया लैब्स शुरू किया। दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्रिया लैब्स का विचार पनपा, जो हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ काम कर रहा है। ये उन्हें पराली जलाने से रोकता है और उसे फायदेमंद कचरे में तब्दील करता है। स्टार्टअप ने कचरे से प्लेट और कटोरी बनाने की तकनीक ईजाद की है। कचरे की तो बाजार में कोई कीमत नहीं मिलती, लेकिन इन प्लेट और कटोरियों को प्लास्टिक के बर्तनों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सस्ती होने के साथ ही इको फ्रेंडली भी है। धान के पौधे के हिस्सों को खेतों से निकालने के बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद ये पुआल मेन यूनिट में पहुंचता है, जहां इनकी धुलाई होगी। इसके साथ ही रेत और धूल बाहर निकल जाती है। क्रिया लैब्स शुरू करने वाले अब तक ज्यादातर काम खुद ही कर रहे हैं। पुआल को धोने के लिए ये लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही रेशों को नरम करने के लिए कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं। इसके बाद धान की पुआल को भाप पर पकाया जाता है ताकि उससे पेस्ट बन सके। इस पेस्ट को पल्प कहा जाता है, जिससे बाद में प्लेट और कटोरियां बनाई जाती हैं। हम संगरूर, होशियारपुर, सिमराला और लुधियाना के किसानों के संपर्क में हैं और वो सब एक ही बात कहते हैं। वो सब इसे खेतों में जलाते हैं और सबसे पहले उनके बच्चे और उनका परिवार इससे प्रभावित होते हैं। दूसरों तक तो ये बाद में पहुंचता है। यही वजह है कि हमसे ज्यादा इसका समाधान ढूंढने में उनकी दिलचस्पी है। क्रिया लैब्स एक और खोज पर भी काम कर रहा है। अपने काम और उत्पादन का विस्तार करने के लिए उसने किसानों पर कचरे को रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी डाली है। हमारा मॉडल ऐसा है कि हम पल्प बनाने वाली छोटी छोटी मशीनें इस बारे में दिलचस्पी रखने वाले उद्यमियों को देना चाहते हैं। इससे ये हुआ कि मध्यम और बड़े स्तर के जो किसान पर्याप्त पैसा खर्च कर पल्प बनाने वाली यूनिट लगाना चाहते हैं, उन्हें हम मशीनें देंगे और जो भी पल्प वो तैयार करेंगे हम उसे वापस खरीद लेंगे। क्रिया लैब्स की ये खोज भारत में वायु प्रदूषण का एक समाधान हो सकती है। हम में से हर कोई हर दिन ऐसे एक कप में चाय जरूर पीता है जो पल्प से बना है, और धान के पुआल से पल्प बन सकती है तो आप उसे बाजार और सप्लाई चेन से भी जोड़ सकते हैं। हमारी तकनीक अगर बड़े पैमाने पर लोग अपना लें तो ये 2 करोड़ टन कृषि कचरे को एक बड़े बाजार में बदल देगी और उसका आर्थिक लाभ किसानों को भी मिलेगा। अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर उपयोग में आ जाए तो 2 करोड़ टन कृषि कचरे को इको फ्रेंडली थाली और कटोरी में बदला जा सकता है।